सो आज हम यहाँ पर आए हुए पार्क में सेक्टर 12 के और अपने बच्चों को भी लेकर के आए हैं और हमारे दो भाई लोग भी आए हैं. दे आर ऑल्सो ब्लॉगर्स, सो दे आर ट्राइंग टू मेक सम ब्लॉग्स फॉर देयर फैंस एंड देयर व्यूवर्स फॉर देयर फॉलोवर्स एंड सब्सक्राइबर्स. तो ये है गुन्नी, मेरी बेटी है छोटी. आ जाओ, ये मेरी क्यूट सी बेटी है. ये जो है बहुत ही अच्छी एक्टिंग करती है, बहुत ही मतलब एक्टिव रहती है अपने अपने फॉलोअर्स के साथ, सब्सक्राइबर्स के साथ बहुत ही अच्छे से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करती है. बोलूँ कैसा लगा तुम्हें ये पार्क? कभी तो जस्ट हम गए नहीं, जाने की सोच रहे अंदर में. कैसा लगा तुम्हें आकर? ठीक है, तो गुन्नी क्या कह रही है कि अगर वो अच्छा लगेगा पार्क तो ये वहाँ पे खेलेंगे, अदरवाइज हम दूसरे पार्क को एक्सप्लोर करेंगे. तो लेट्स गो इनसाइड द पार्क एंड जस्ट सी हाउ दिस पार्क इज. ठीक है, वहाँ की वीडियोस भी दिखाएंगे आप लोगों को कैसा पार्क है ये. तो ये पार्क का एंट्री गेट है और यहाँ से हम एंटर करते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस पार्क के और पार्क में बहुत सारे बर्ड्स, इधर उधर पार्क में इधर कितनी सारी बर्ड्स हैं. पार्क में भी है. सबसे पहले तो हम आपको दिखाएंगे कि पार्क में इंसान के अलावा, हम जैसे इंसानों के अलावा, छोटे जो पशु पक्षी भी खूब इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को. तो मैं बोलना चाहूँगा कि कुछ जरा कैमरा लगाना के ऊपर दिखाओ, वहाँ पे बर्ड्स नहा रही है कि पानी, ठंडे ठंडे पानी में कितना एंजॉय कर रही है. देखो वहाँ पे बर्ड्स नहा रही है, उनके भी तभी वो दिखाओ सबको, मतलब अपने व्यूअर्स को सामने आराम से जाने. ठीक है, तो कितनी सारी व्यूज है, जूम करके जरा से दिखाओ कि कैसा कैसा मतलब यहाँ का दृश्य है. ठीक है, तो हम ही नहीं पार्क में आते हैं, पार्क एक ऐसी जगह है जहाँ पर चिड़िया, बर्ड्स हैं, छोटे छोटे जीव हैं, स्क्वायरल्स हैं, ये सारे खूब इंजॉय करते हैं. तो आगे हम चलते हैं हमारे इस जिम में, इस पार्क में जिम एरिया भी बहुत अच्छा है. तो लेट्स सी हाउ दिस जिम इज एंड वी लेट्स एक्सप्लोर द जिम फैसिलिटी. ठीक है तो देख लो, ये पानी के लगाया हुआ है, पानी भर दिया गया है ताकि यहाँ सूखने ना पाए, सारे पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे रहें. तो इसी वजह से सरकार यहाँ पर पानी की व्यवस्था की हुई है, पानी हमेशा ये फिलिंग करके रहते हैं. तो अगर इस पार्क में कोई बच्चा आता है, कहीं पे भी पार्क में जाता है, तो मेरी एडवाइस है कि इस समय चूँकि डेंगू का फीवर ज़्यादा चल रहा है, तो मेरी ये पर्सनल एडवाइस है कि या तो खुद फुल कपड़े पहने या तो हमेशा मूवमेंट के मूड में रहे, मूव करता रहे ताकि मच्छर, मस्कीटोज उसके पैर पे, हाथ पे या किसी बॉडी के किसी जगह बैठ करके उसको ना काट सके. क्योंकि अगर डेंगू के मच्छर उसको काटते हैं, किसी को भी काटते हैं, तो डेंगू के फीवर के चांसेस ज़्यादा हैं. दोस्तों मैं आप जैसा कि देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा जिम को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, मैं थोड़ा जिम करने की कोशिश कर रहा हूँ. और ये है जहाँ पर आपको वेट थोड़ा सा वेट डाउन करना, पुल डाउन करना है. फिर इधर एक जिम, या फिर ये है. और इसके लेट्स सपोज लाओ मैं हम ये वाले जिम को करके देखते हैं और आपको दिखाते हैं ये वाला जिम. तो हमारे साथ गुन्नू भी इस समय जो है वीडियो भी बना रहे हैं और हमारे साथ जिम भी कर रहे हैं. हम दोनों लोग, बाप बेटे दोनों के दोनों जो है जिम कर रहे हैं, जिम को एक्सप्लोर कर रहे हैं. तो दोस्तों मैं जिम के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसा आप जानते हैं कि हेल्दी माइंड्स लिव इन अ हेल्दी बॉडी, और हेल्दी बॉडी के लिए अच्छा खाने के अलावा अच्छी नींद के साथ साथ जो है हमें एक्सरसाइज भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है. तो मैं आप सभी को एडवाइस करना चाहूँगा कि वीकेंड पे एटलीस्ट, अगर भी आपके पास वीकडेज में टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट वीकेंड्स पे दो दिन आपको मिलता है, तो आप एटलीस्ट एक एक घंटे के लिए बाहर जाएं, वॉक करें, रनिंग करें. अगर आप रनिंग करेंगे और वॉक एक घंटे करेंगे, तो आपको कभी भी इस ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ या इस तरीके की जो मेटाबॉलिक बीमारियाँ हैं वो कभी भी आपको नहीं लगेंगी और आप हमेशा हेल्दी फील करेंगे. आ जाओ, इसके साथ साथ बहुत सारे जिम हैं, जिम के अलग अलग तरीके के जिम करने के लिए, जैसा कि और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं. ठीक है, और ऐसे ऐसे भी हम स्विंग भी कर सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार ये, और साथ साथ हमारी एक्सरसाइज भी होती है, इसमें पूरी बॉडी मूवमेंट होती है. एक तो ऐसे कर सकते हैं और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं. तो दिस इज़ वेरी फैंटास्टिक, वेरी अमेजिंग, यू नो, एक्सरसाइजिंग मूवमेंट बड़ा ही मज़ेदार है.
तो मैं दोस्तों अगेन मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग भी जिम का जो है ज़रूर यूज़ करें, जिम ज़रूर करें, एक्सरसाइज ज़रूर करें और ट्राई करें इसको कि अपने जिस तरीके से हम खाना इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में, उसी तरीके से जिम भी हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट है। आओ चलते हैं, और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिखाना चाहते हैं जिम के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा पार्क है, काफ़ी ग्रीनरी भरा हुआ है और काफी बड़ा पार्क है। As you can see, there is a lot of greenery, lot of trees and lot of bushes around here. And these are some swings made for kids. And specially they are made for kids because there is sand. So if any child falls, then he will not be hurt like other parks. So that's too good for children. And as you can see, there is also a swing. And anyone can swing on it. थोड़ा सा मजा लेते हैं स्विंग का, इस उम्र में भी मजा मिल रहा है, वैसे तो बचपन में ही मिलता है, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा स्ट्रॉन्ग है तो इसलिए हमारे लिए भी सूटेबल है और हम भी इस पे झूल सकते हैं। काफी मजा आ रहा है, मुझे अपने बचपन के दिन याद आ रहे हैं सुबह करके। सो लेट्स मूव टू अनदर, शैल वी? ओके, सो ये भी है छोटे बच्चों के लिए है जिसको हम पूरा कवर करके बैठा सकते हैं, इसमें एंजॉय करा सकते हैं। दीज आर लाइक फॉर 3-4 मंथ्स इन्फेंट्स, इन्फेंट्स यू कैन से। काफी अच्छा है और एंड देयर इज सीसो फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, यू नो एवरीवन सीज विद अ लाइक एवरीवन लुक्स एट इट लाइक इट्स अ वेट मेजरिंग मशीन दैट whose weight is more, because you, as you can see there are two ends and the child which has more weight will go down and the child which has low weight will go up. So that's the thing, people measure children weight with this. Stop. I'm going to climb this one, let's see can I climb it. देखो भाई भाई, इधर तो कैमरा बना रहा है। So, जैसा आप देख सकते हैं कि गुन्नू इस पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेट्स सी कि वो सक्सेसफुली उसको क्रॉस कर पाता है कि नहीं कर पाता है। बहुत ही डिफ़िकल्ट है ये और बच्चों को बहुत ही सावधानी के साथ इसको क्रॉस करना चाहिए, ठीक है। बट हाँ, ये है कि ये इसके लिए बहुत ही फोकस की जरूरत होती है और बहुत ही बैलेंसिंग की जरूरत होती है, अच्छी पकड़ ग्रिप रखनी पड़ती है ताकि कोई भी बच्चा इसको क्रॉस कर सके। तो मेरे हिसाब से गुन्नू ने जस्ट कंप्लीट कर लिया है इसको एंड ही हैज़ डन इट फाइनली। कैसा लग रहा है गुन्नू तुमको ऐसा इसको क्रॉस करके? ये मेरी बेटी है और ये दोनों झूले झूल रहे हैं और ये स्विंग बहुत ही अच्छा स्विंग है यहाँ। मैं यही कहूँगा आप सारे पेरेंट्स से कि बच्चों को डेफिनेटली पार्क लेकर के जाएं और बच्चों को जो है स्विंग और इस तरीके की चीज़ों को एक्सप्लोर कराएं वीकेंड पे, ठीक है। काम तो हमेशा ही रहता है, बचपना हमेशा बच्चों का, तो बच्चों को पार्क लेके जाएं, बच्चों को भी एंजॉय कराएं, क्योंकि सबको संघर्ष जिंदगी जीनी होती है। क्या कहना चाहोगे इसके लिए अपने अपने फॉलोअर्स को? फ्रेंड्स हाँ, तो इस तरीके से हम कैसे स्विंग फ्लो देते हैं, उन्होंने जैसे टिप बताई, ये दिया जो मैंने उसको बताया। A recap of everything. You can see the slides and swings, all the things, and these instruments. I would like to give you a quick recap. This one is like you care for show over the shoulder. That one also, and this one is for legs. That one also, and that one is for arms, and this one is also for flexibility, and this one is legs, and this one. Everything here is like useful. You can say. As you can see, he's doing some gym now. In the end, and now we should go. Let's go, Papa. I think she's so small for this. You can see there are two 5 kg jumbo, 10 kg, and here also 10 kg, 20 kg, and 5 kg here, 2.5 kg each, and total 10 kg. So total weight is like 30 kgs. Okay, let's go. Oh my God, the greenery here is like so. See that doggy? He's so like cute. You can see. Now let's go. I will fast. Well, let's go in the fast motion. क्या होता है, पता चलो इंस्ट्रूमेंट के साथ।
देखो भैया, अब गुन्नी जो है जिम करने जा रही है। गुन्नी को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, ये वाला एक्सरसाइज। तो लेट्स सी हाउ डज शी डू इट। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आराम आराम से, आराम आराम से। शुरू में हमेशा आराम से जिम किया करो, इतनी स्पीड से नहीं, ठीक है? क्योंकि चोट भी लग सकती है और गिर भी सकती हो। तो हमेशा याद रखो कि जब भी कोई भी एक्सरसाइज करो, बहुत ही ध्यान से और जो है हमेशा प्रिकॉशंस के साथ सोच कर देख के कि क्या प्रॉपर तरीका है किसी भी एक्सरसाइज को करने का, ठीक है? If you are still here, thank you for watching. This was the part 1 of the vlog. We will continue it in the part 2, and in the part 2 we will go to more amazing park which is for children as well as youngsters, for all age groups, and that is an amazing park. Stay tuned by part 2 soon.